जी, मेरा सवाल ये है कि अल्लाह ईश्वर की कृपा कैसे प्राप्त करें, कि ईश्वर की कृपा के संकेत क्या हैं, यानी अल्लाह ईश्वर की कृपा कब होती है, यानी अल्लाह बंदे के साथ भलाई का इरादा कब करता है, क्या पहचान है। आसान जबान में समझाएं, आसान तरीके से समझाएं। देखिए, एक हदीस में आता है कि जब अल्लाह ईश्वर अपने पैदा किए हुए इंसान बंदे के साथ में भलाई का इरादा करता है, तो उसके लिए इस्लाम धर्म का रास्ता खोल देता है। यानी उसके दिल और दिमाग को इस्लाम को समझने के लिए और अमल करने के लिए दिल दिमाग को खोल देता है। मगर ये जब है, क्योंकि ज़िंदगी इम्तिहान है, अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहा है। जो बंदा अल्लाह की तरफ रुजू होता है, गौर करता है, सोचता है कि मेरा मालिक कौन है, मुझसे क्या चाहता है, उसकी खोज करता है, जब दिल से लगन और मेहनत से जो है उसकी खोज करता है, तब अल्लाह ताला उसके लिए अपना रास्ता खोलता है, उसके साथ भलाई का इरादा करता है। क्योंकि जिस मकसद से इंसान दुनिया में आया है, जब उस मकसद को पूरा करने के लिए इंसान सोचता है, गौर व फिक्र करता है, अल्लाह की तरफ गौर करता है, दौड़ लगाता है, तो अल्लाह ताला फिर उससे खुश होता है और उसके लिए अपना भलाई का रास्ता खोल देता है, इस्लाम को समझने का रास्ता खोल देता है। तो याद रखें, ईश्वर की कृपा कैसे प्राप्त करें। अल्लाह ताला ईश्वर की कृपा को ऐसे ही प्राप्त कर सकते हैं हम कि उसकी खोज करें, उसके लिए मेहनत करें, जिस मकसद के लिए दुनिया में हम भेजे गए हैं उस मकसद की तरफ गौर करें, अल्लाह की खोज करें, उसका ज्ञान हासिल करें। क्योंकि दुनिया में हम हमेशा रहने को नहीं आए, यहाँ से जाना है दुनिया से इम्तिहान देकर। अब याद रखें, ईश्वर अल्लाह ताला की कृपा के संकेत ये हैं, उसकी दया और रहमत के संकेत ये हैं कि जब इंसान को इस्लाम का ज्ञान समझ में आने लगे, अपने अंदर रचना के द्वारा, जो रचना रची है अल्लाह ताला ने हमारे अंदर, अच्छाई में सुकून, बुराई से बेचैनी, घबराहट, इस रचना के आधार पर जब इस्लाम का ज्ञान समझ में आने लगे, तो याद रखें ईश्वर की कृपा के ये संकेत हैं। जब आप अल्लाह के अपने सच्चे बनाने वाले मालिक के हुक्मों को पहचानने लगें और सही से समझने लगें, आपकी अकल अंधकार से निकल कर रोशनी में आने लगे, तो जब हमारी अकल या आपकी अकल अंधकार से निकल कर रोशनी में आने लगे, तब मानो कि ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर हो रही है। तो याद रखें, अल्लाह ताला का, ईश्वर का बिल्कुल सीधा रास्ता है उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर, अच्छाई पर चलने का, बुराई से बचने का। अब क्योंकि दुनिया में शैतानी माहौल है, बुराई का माहौल आम है, इसलिए इंसान कन्फ्यूज रहता है, समझ नहीं पाता। तो अल्लाह ताला इंसान को अपनी सच्ची राह, अपनी रचना के द्वारा सच्ची राह दिखाने के लिए पैगंबर को अपना पैगाम देकर भेजता है इस दुनिया में। और जब वो पैगाम सुनाता है तो वो अल्लाह की बनाई हुई रचना के आधार पर होता है, ईश्वरी रचना पर होता है, इसलिए दुनिया में लोग सच और झूठ को पहचान जाते हैं, अपने सच्चे बनाने वाले मालिक के रास्ते को और शैतान के रास्ते को पहचान जाते हैं। आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं संसार के सच्चे मालिक के। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले अरब में इतना बुरा हाल था कि इंसानियत के घोंसले को शैतान ने ऐसा बखेरा था कि जहालत का इतना अंधेरा था, बुराई का इतना अंधेरा था कि बेटा अपने बाप के मरने के बाद अपने घर से चादर उठाता था और अपनी माँ के ऊपर डालकर उसको बाहर निकाल कर कहता था पब्लिक में कि लोगों, मेरा बाप मर गया, मैंने अपनी चादर अपनी माँ के ऊपर डाल दी, तो आज के बाद ये मेरी माँ नहीं है, मैंने इसको अपनी पत्नी यानी अपनी बीवी बना लिया है। अब आप बताओ कि इससे बुरी बुराई और क्या होगी कि जिस शर्मगाह से, माँ की शर्मगाह से वो निकला, उसी शर्मगाह का गलत इस्तेमाल करे। आप अरब की जहालत के बारे में हमारी और वीडियो देखें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले वहाँ पर कितनी बुराई आम थी, फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का पैगाम सुनाया तो लोग बुराई से रुके, सच्चाई को पहचाना, ईश्वरी रचना के आधार पर अच्छाई को पहचाना और बुराई से रुके। तो आप हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें ताकि आप सही तरह से इस्लाम को समझ सकें। तो मेरे भाइयों, अल्लाह इस कायनात का मालिक है, उसने हमें पैदा किया है, हमारा इम्तिहान लिया है, इस कायनात को वही चलाता है और हर चीज़ की ज़रूरत को वही पूरी करता है। अकल पर जोर डालकर गौर करें हम, कोई किसी के दुख दूर नहीं करता सिवाय अल्लाह के, सब कुछ अल्लाह ही करने वाला है।
इस दुनिया में कोई कुछ लेकर नहीं आता, इंसान नंगा आता है तो इस दुनिया में इंसान खाली हाथ आता है। अब इस दुनिया के लिए जैसी नियत करता है वैसा ही पाता है, फिर सब कुछ छोड़कर इस दुनिया से चला जाता है और अच्छाई बुराई साथ ले जाता है, फिर मरने के बाद वैसा ही बदला पाता है। अगर इंसान अल्लाह के लिए कोशिश करे, उसको राज़ी करने की मेहनत करे, मौत के बाद की ज़िंदगी की तैयारी करे तो अल्लाह उसके लिए भी रास्ता खोल देगा। सबकी ज़रूरतें पूरी करने वाला अल्लाह है। तो मेरे भाइयों, इस दुनिया में कोई भी इंसान सच और झूठ को जाने बगैर नहीं मरता। हाँ, ये अल्लाह के जुम्मे हैं कि वो टेस्ट ले रहा है इंसानों का, इम्तिहान ले रहा है। तो अपने हर बंदे को अपना सच्चा रास्ता जतला दे, उसको दिखा दे और समझा दे कि मेरा सच्चा रास्ता ये है, चाहे वो जानबूझ के इनकार कर दे और शैतान का बुरा रास्ता भी दिखा दे। क्योंकि अल्लाह ताला जुल्म से पाक है, क्योंकि जब अल्लाह फैसला करेगा तो किसी पर जुल्म ना करेगा। अल्लाह ताला ने पैगंबर द्वारा अपना सच्चा रास्ता और शैतान का रास्ता हर ज़माने में इंसान को दिखाया है। अब जिसका जी चाहे सच्चाई को जानकर समझकर सच्चाई को मान ले, अल्लाह से डर जाए और सच्चाई पर चलकर मरे, और जिसका जी चाहे सच्चाई को जानते हुए भी बुराई पर चलता रहे और बुराई पर चल के मरे, नरक की आग में जाए, ये अल्लाह ने बंदे को छूट दिए। ये इम्तिहान का जहान है अल्लाह की तरफ से। लेकिन अच्छा बुरा रास्ता दिखाना अल्लाह के जुम्मे हैं। हर इंसान को वो दिखाता है और जीवन का समय देता है और टेस्ट लेता है कि कौन मानता है और कौन नहीं मानता। जो डर जाता है अल्लाह से, जो मान लेता है वो स्वर्ग में जाता है मरने के बाद। जो नहीं डरता है, अहंकार दिखाता है, हैं बुराई का रास्ता अपनाता है, ईश्वरीय रचना के खिलाफ चलता है, वो मरने के बाद नरक में जाता है। तो मेरे भाइयों, आज के दौर में इस धरती पर आसमानी किताब जो बुराई से सुरक्षित है वो कुरान मजीद है। अब जिस कौम के पास आसमानी किताब हो और फिर भी उस पर अजाब आ रहा हो, सज़ा मिल रही हो अल्लाह की, वो कौम दुनिया में जलील हो रही हो, तो मेरे भाइयों सबसे बड़ी वजह यह है कि उस किताब के साथ जुल्म किया जा रहा है। 2.25 अरब मुसलमान है और उसमें ज़्यादातर मुसलमान ऐसा है जो इस किताब को रोज़ पढ़ता है मगर एक शब्द का, एक लफ्ज़ का मतलब नहीं पता है कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, बिना समझे पढ़ रहे हैं बस। ये वो किताब है जो हम फटाफट पढ़ते जाते हैं मगर कुछ नहीं पता, कुछ पता नहीं है कि क्या लिखा पढ़ रहे हैं। पूरी दुनिया में कुरान के अलावा ऐसी और कोई किताब नहीं है जिसके साथ ऐसा बुरा सलूक किया जाता हो। तो आप क्या समझ रहे हैं कि उम्मत से, इस मुसलमान कौम से इसकी पूछनी होगी? वैसे कहने में कमी नहीं छोड़ते, कहते बहुत हैं कि कुरान सबसे अच्छी किताब है, आसमानी किताब है, आसमान से आई हुई है, इसके बावजूद भी हम समझकर नहीं पढ़ते। तो याद रखें, आज हम इस किताब के साथ ये बर्तावा कर रहे हैं, इसको समझते नहीं हैं, इसीलिए हम दुनिया में जलील हो रहे हैं। अल्लाह ताला हमें दुनिया में भी रगड़ेगा और मौत के बाद तो क्या क्या सजा देगा अल्लाह ताला, कोई पता नहीं है। ईमानदारी से बताओ, अगर किसी भी राइटर जो किताब लिखता है, अगर हम किसी भी राइटर की किताब के साथ अगर हम ऐसा सलूक करें, तो उसको कितना गुस्सा आएगा कि किताब तो पढ़ते हैं मगर समझते नहीं हैं, और अपनी सोच और अपनी समझ से, अपनी तरफ से बरकत हासिल करने के लिए बिना समझे पढ़ते हैं बस। यह कोई दलील नहीं है कि अल्लाह ताला तुम बिना समझे पढ़ोगे तुम्हें बरकत देगा। अरे मेरे भाई, कुरान को बिना समझे पढ़ोगे तो बरकत तो क्या, अजाब मिलेगा अल्लाह का। जब तक इसको समझोगे नहीं तो इस्लाम पे अमल कैसे करोगे? बस अपनी मनमानी का दीन बना रखा है, बिना समझे कुरान को पढ़ते हैं, किसी की मानते नहीं, सुनते नहीं, समझते नहीं कि बरकत मिलती है साहब पढ़ने से बरकत। अरे मेरे भाई, कुरान पर गौर करें, कुरान को समझ के पढ़ें। तो भाई, अपनी मनमानी का दीन लोगों ने बना रखा है, अपनी मनमानी के जो मजहब बना रखे हैं लोगों ने, कुरान को समझकर अल्लाह की मर्ज़ी को जानने की कोशिश नहीं करते, अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपने मालिक की मर्ज़ी को जानने की कोशिश नहीं करते। ये जितने भी पढ़े लिखे लोग बनते हैं जो कुरान से लोगों को काटते हैं कि कुरान को तुम मत पढ़ना, ये तो सिर्फ आलिमों का काम है समझना कुरान को, तुम गुमराह हो जाओगे। ये जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं ना, इन्होंने उम्मत को गुमराह कर दिया है। उम्मत का क्या हाल कर दिया है, इस मुसलमान कौम को गुमराह कर दिया है, इसीलिए हम दुनिया भर में जलील हो रहे हैं, अल्लाह का अजाब आ रहा है। तो मेरे भाइयों, अगर अरबी सीखने की उम्र ना हो तो कुरान का कम से कम तर्जमा पढ़ो, ट्रांसलेशन पढ़ो,
हर जबान में कुरान का तर्जमा है, अर्थ है, हिंदी में अर्थ है, हर जबान में उसका ट्रांसलेशन है। तो कुरान को समझकर पढ़ो, अरे आगे बढ़ो, जिंदा ईमान बनाओ। जीवन ख़त्म होने की तरफ जा रहा है, गफलत से बाहर निकलो, शैतानी धोखे से बाहर निकलो। शैतान ने धोखे में डाल रखा है कि थोड़ा बहुत दीन बस समझ लिया, बस यही दीन है भाई, नमाज पढ़ लो, रमज़ान रख लो, कुरान को बिना समझे पढ़ते रहो, सवाब की नीयत से, बरकत की नीयत से, जब कोई मर जाए जब कुरान पढ़ लो, बस यही दीन है। लोग आगे नहीं बढ़ते, सोचते हैं कि जो है आगे रास्ता है ही नहीं, बस यही दीन है, आगे बढ़ते ही नहीं। तो लोग सोचते हैं बस यही दीन है, आगे कुछ नहीं है, आगे रास्ता बंद है। जैसे आप रेल की लेन की पटरी पर खड़े होकर जब आप दूर निगाह मारेंगे लेन पर, तो आपको जो है आगे से लेन बंद दिखाई देगी, जैसे आगे जाकर लेन बंद हो गई हो। ये नज़र का धोखा है, जबकि जब आगे बढ़ोगे देखोगे आगे चल के, तो लेन आगे से खुली हुई है, बंद नहीं है। तो इसी प्रकार से शैतान ने भी धोखा दे दिया है कि बस यही दीन है भाई, नमाज पढ़ लो, रोजे रख लो, कुरान को बिना समझे पढ़ लो, अपनी दुनिया परस्ती में लीन रहो, बस इससे आगे कुछ दीन है ही नहीं। मेरे भाई, इससे आगे रास्ता बंद नहीं है, रास्ता खुला हुआ है। अगर दिल से कोशिश करोगे, कुरान को समझ के पढ़ोगे, तो अल्लाह ताला जिंदा ईमान अता फरमाएगा, जन्नत में आला मकाम अता फरमाएगा, जहन्नुम से बचाएगा। तो आज अपने दीन, मनमानी के दीन पर चल रहे हैं, दुनिया परस्ती में लगे हुए हैं। मेरे भाई, जो हकीकत में मौत के बाद की ज़िंदगी की तैयारी करने वाला है, जो इंसान आखरत की, मौत के बाद की ज़िंदगी की तैयारी करेगा, उसका दुनिया में मन लगेगा ही नहीं, वो दुनिया की दौड़ नहीं लगाएगा, अल्लाह को राज़ी करने की दौड़ लगाएगा, जो हकीकत में जिसको ईमान की तलाश होगी। तो जितने भी मुसलमान हैं, मैं सबसे ये ऐलान करना चाहता हूँ, ए मुसलमान कहलाने वालों, ए कुरान को बिना समझे पढ़ने वालों, ए कुरान का सही तरह हक अदा ना करने वालों, एक चेतावनी सुनो, खबरदार, होशियार हो जाओ। या तो खुलकर अल्लाह की नाफरमानी करो, इस्लाम नाम के शब्द को क्यों बदनाम कर रहे हो? इस्लाम एक पवित्र शब्द है। इस्लाम का मतलब ही ये होता है कि इंसान अपना सब कुछ अपने सच्चे बनाने वाले मालिक के सामने सौंप दे, सरेंडर कर दे, और अपनी मर्जी को छोड़कर उस मालिक की मर्जी पर जीवन जिए और उसे राज़ी करे और जीवन के मकसद को पूरा करे। तो या तो खुलकर नाफरमानी करो काफिरों की तरह, जैसे वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, अल्लाह की मर्ज़ी पर नहीं आ रहे। अल्लाह ताला सबके दिलों का हाल जानता है कि किसके दिल में क्या है, कौन फ्रॉडबाजी कर रहा है, कौन दीनदारी के नाम पर, दीनदारी की आड़ में पीछे दुनियादारी कर रहा है, सबके दिलों के हाल को जानता है वो। क्या आज हम मुसलमान तो कहला रहे हैं, मगर हम अपनी मनमानी कर रहे हैं, दुनिया परस्ती में लगे हुए हैं, अल्लाह की मर्जी को जानने की कोशिश नहीं करते, इसलिए कुरान को समझ के नहीं पढ़ते। तो या तो खुलकर काफिरों की तरह हो जाओ, दुनिया में चार दिन मज़े कर लोगे अल्लाह के इनकारियों में मिलकर, काफिरों में मिलकर, लेकिन मौत के बाद जहन्नुम है, याद रखना। अल्लाह ताला ने अपने इनकारियों को दुनिया में ढील दिए, छूट दिए, मज़े करने की, गुनाह के मज़े कितने कर ले, हाँ, लेकिन मौत के बाद नरक की आग है, जहन्नुम है। और अगर जहन्नुम से बचना चाहते हो मौत के बाद, तो कुरान को समझो, कुरान को समझकर जानो कि हमारा बनाने वाला मालिक अल्लाह हमसे क्या चाहता है, उसकी मर्ज़ी को जानो। ये धरती पर जुल्म जास्ती फैल रही है, अल्लाह की हुकूमत कायम करो ताकि जुल्म जास्ती मिट सके, गुमराही से बाहर निकलो, होश में आओ, जीवन ख़त्म होने की तरफ जा रहा है। ये हम मुसलमानों पर जिम्मेदारी है कि इस कुरान का पैगाम दुनिया के हर इंसान तक पहुंचाएं, हम इसे समझें, गुमराही से बाहर निकलें और ज़िंदा ईमान बनाएं और होश में आएं। तो मेरे भाइयों, कुरान के द्वारा या तो खुलकर ईमानदार बन जाओ या खुलकर बेईमान बन जाओ, फ्रॉडबाजी अल्लाह को पसंद नहीं है, अल्लाह ताला दिलों का हाल जानता है कि हम क्या कर रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि लोगों ने धर्म के नाम पर धंधा बना रखा है, मदरसे खोल लिए हैं, चंदे ला रहे हैं, दुनिया परस्ती कर रहे हैं, मज़े उड़ा रहे हैं, अपनी कोठी बिल्डिंग बंगला बना रहे हैं। मेरे भाई, अल्लाह ताला सब देख रहा है, जो जैसे कर्म करेगा अल्लाह उसको वैसे ही बदला देगा। तो भाई, मैं तो समझा समझा के थक गया हूँ। भाई, जो भी हमारे मुसलमान भाई या गैर मुसलमान भाई मेरी ये बात सुन रहे हैं, जिनको अच्छाई पसंद है, जो अल्लाह को राज़ी करना चाहते हैं, वो इस पैगाम पर भाई अमल करें और इसे दुनिया में फैलाएँ। उम्मीद करता हूँ कि सवाल का जवाब हो गया, और भाई इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा, ईश्वर ने चाहा, अगर ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सभी सुनने वालों पर अल्लाह ताला की सलामती हो।
रहमत हो, ईश्वर की कृपा हो, दया हो।